bright as the sun. Come, won't you come along? And it feels so bright, it's like luck is raining on me. Go and follow your heart, doesn't matter how far. There is so much love to give, something's telling me this time. Baby, baby, now I know. Baby, baby, gotta go. There is so much love to give, something's telling me it's right. When you came to me, oh, I knew it's you, yeah, boy. The one who showed me now and forever. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। कैसे हैं आप सब? तो अभी जो है मैं यहाँ पे माय फर्स्ट प्रोजेक्ट पैन कर रही हूँ। प्रोजेक्ट पैन का मतलब है कि आप अब जो आपकी जो मेकअप की जो भी चीज़ें हैं वो आप उसको आप कितने टाइम पे यूज़ कर सकते हो, कितना उसके जो पैन है उसको आप बिल्कुल एंड तक आप जा सकते हैं। तो फिर हम शुरू करते हैं। ये आपको सामने जो है ना कुछ प्रोडक्ट्स नज़र आ रहे हैं, तो ये कुछ स्किन केयर्स के हैं, कुछ मेकअप है। तो आज जो है अक्टूबर है और मैं आपको अपडेट दूंगी नवंबर के एंड में कि मेरा प्रोजेक्ट पेन कहाँ कहाँ तक पहुंचा है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरा नाम है आयशा और मैं हूँ ब्यूटी कंटेंट क्रिएटर। तो मेरे चैनल पे आओ, वेलकम। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपको ऐसे जो है ना नज़र आ रहा होगा सारा। सबसे पहले जो है यहाँ पे मेरा मॉइस्चराइज़र है, कुछ मेकअप्स के हैं, सनस्क्रीन है, मेकअप है, सीरम्स हैं, टोनर है, और ये है अपना मिसलेयर वाटर है मेरे पास। तो चलें वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो जी सबसे पहले है ये मेरा मॉइस्चराइज़र सेटाफिल। इसके यहाँ तक जो है ना मैंने अपनी कर लिया है, तो इसको मैं नवंबर के एंड तक देखूंगी कि ये कहाँ तक कितना जो है ना वो मेरा चलता है। ठीक है, तो ये मेरा प्रोजेक्ट पेन नंबर वन है, इसको हम साइड पे रख लेते हैं। फिर हमारा जो है यहाँ पे आ जाते हैं अपना टोनर। ये है मेरा टोनर, पिक्सी का ग्लो टॉनिक है। और अगर आपको ऐसा नज़र आ रहा होगा तो अभी जो है ये यहाँ तक है, तो इसको नवंबर के एंड में देखेंगे कि कहाँ तक है, उसकी मैं अपडेट आपको ज़रूर दूंगी। और उसके बाद है मेरे पास ये गार्नियर का मिसलेयर वाटर, आपको ऐसे नज़र आ रहा होगा ये इतना है। और आपको मैं फिर बाद में अपडेट करूंगी कि मेरा तीसरा प्रोजेक्ट पेन है। इसको साइड पे रख लेते हैं। अब आ जाते हैं कुछ मेकअप्स पे। तो ये है मेरे पास फाउंडेशन, अगर आपको नज़र आ रहा होगा तो यहाँ पे आर लिखा हुआ है नार्स का, यहाँ तक मेरा फाउंडेशन है। तो मैं इसको कोशिश करूँगी कि थोड़ा सा एस पे आ जाए या फिर उससे थोड़ा नीचे आ जाए कि कितना जो है ना वो चलता है। ठीक है जी, तो मेकअप में मेरे पास फाउंडेशन है नार्स का, इसका शेड है M4 परसोलिना। और ये आपको ऊपर से वाइट दो शेड नज़र आ रहे होंगे, ऊपर है वाइट यानी कि ये ख़त्म हो गया है, और नीचे जो इसका फाउंडेशन जो अपना कलर है उसका यहाँ तक है। फिर आ जाते हैं कंसीलर। कंसीलर है मेरा हुदा ब्यूटी का, इसका शेड है 4.5 ग्रैनोला बार, और ये फॉल्स फिल्टर कंसीलर है। तो अभी जो है ये तो भी फुल नज़र आ रहा है, तो ये मेरा इसको मैं प्रोजेक्ट में इसको ख़त्म करने की कोशिश करूँगी कि, लेकिन इसकी कवरेज बहुत अच्छी है। ये मेरा बहुत मोस्ट फेवरेट हाई एंड कंसीलर है, तो मैं जो है इसको ख़त्म करने की कोशिश करूँगी। और फिर मस्कारा में है मेरे पास ये एलोवेरा का टेलीस्कोपिक मस्कारा है। ये इसके लगाने से जो है ना आपको फेक लैशेस लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये बहुत जो आपके जो लैशेस हैं उसको लिफ्ट करता है और बहुत ही फेक लैशेस की तरह आपको इफ़ेक्ट देता है। उसके बाद है जी ये मेरे पास कलर पॉप का हाइलाइटर है, इसका शेड है योर ग्लोइंग। ये आपको थोड़ा सा जो है ना वो पेन नज़र आ रहा होगा, ये मैंने ऑलमोस्ट ही थोड़ा सा किया है, लेकिन इसको कोशिश करूँगी नेक्स्ट मंथ तक इसको मैं पूरा करूँ, तो ये आपको मैं इसकी अपडेट दूंगी। मेरा रेटिनॉल नाइट सीरम, और अगर आपको शायद नज़र आए तो ये जो है ना ये है यहाँ तक, जहाँ पे मेरा थंब है, थंब की नेल है यहाँ पे है, यहाँ तक है। तो ये आपको
जो है ना क्या कहते हैं, मैं आपको वेबसाइट, ये है बॉडी शॉप का विटामिन पे, बिल्कुल एंड में आपको शायद नज़र ना आ रहा हो, तो ये यहाँ पे बिल्कुल ही ख़त्म है, तो इसको जो है ना मैं इसको फिनिश करने लगी हूँ, तो ये मेरे प्रोजेक्ट पेन में शामिल हो चुका है, तो इसकी अपडेट मैं आपको ज़रूर दूँगी। फिर ये है मेरे पास स्टे मैट का रिमल लंदन का स्टे मैट पाउडर, जो ड्राई स्किन वालों के लिए, और मेरे विंटर में ज़्यादातर जो है ना वो ड्राई स्किन ही रहती है, तो इसके शेड है 006 वार्म बेज, और ये अंदर से जो है ना इस तरह कुछ इस तरह दिखता है, ये आपको जो इस तरह का नज़र आ रहा होगा, ये यूज़ किया है, तो आपको मैं इसका दिखाऊंगी कि इसकी अपडेट किया है। फिर है जी मेरा ये शार्लेट टिल्बरी का एयर ब्रश ब्राउन, कुछ इस तरह दिखता है, तो ये जो है मैं इसको फिनिश करने लगूंगी, इसको मैंने अपने प्रोजेक्ट पैन में शामिल किए हैं, तो अभी जो है बिल्कुल फिट और फुल है, तो जब ये होगा तो आपको मैं इसकी अपडेट जो है ना वो ज़रूर दूंगी। मदर ब्यूटी का और बच्चों ने जो है इसकी पैलेट की जो नशर नशर किया हुआ, ये कुछ दो जो है वो मैंने ऑलरेडी पैन कर लिया है, तो बाकी जो है इसमें जो शेड हैं, एक ये लाइट ब्राउन, डार्क ब्राउन, पिंक शेड, पर्पल शेड, इनको जो है ना कंप्लीट करने की कोशिश करूँगी, और शिमर और इन तीन जो है इनको कोशिश करूँगी यूज़ कर सकूँ, लेकिन अभी जो मेरे पास इरादा है वो 1, 2, 3 एंड 4 4 शेड को कंप्लीट करने के टारगेट है, तो मैं इसको जो है अपना नेक्स्ट मंथ के एंड तक इसको मैं करूँगी, और आपके साथ मैं अपडेट करूँगी, क्योंकि आपको नज़र आ रहा है, क्योंकि मैं ऑलरेडी ही इस पर मैं कर चुकी हूँ, तो उसको मैं शामिल कर दिया। फैट ऑयल लिप ड्रिप ऑयल, यानी कि लिप ऑयल है लिक्स का, और इसका शेड है जी स्क्रॉलिन, तो इसको मैं फिनिश करने की कोशिश करूँगी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये एंड तक जाएगा, लेकिन लेट्स गिव इट अ ट्राई, बट विल सी हाउ इट गोज। जी मेरे पास ये सुपर गुप का ग्लो स्क्रीन सनस्क्रीन है, ये SPF 40, और को डब्बी का भी जो है ना ट्यूब का आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ तक है, लेकिन इसके मैं आपको जो है ना अपडेट दूंगी कि ये जो है ना कितने तक पहुँचा है। ठीक है जी, तो इसको भी हम शामिल नहीं करती, इसको मैं अपना स्किन केयर में शामिल करती हूँ, क्योंकि ये जो है ना थोड़ा सा ग्लो इफेक्ट देता है, तो ये देखिए यहाँ तक जो है ना प्राइमर यहाँ पे आया हुआ है, वरना ये यहाँ पे था, ये यहाँ पे था, तो अभी ये ना आस्ते आस्ते ऊपर आ चुका है, तो ये भी प्रोजेक्ट पैन में शामिल हो गया है। ब्लश ये शेड है इसका 02 रोज डी ओरो, और अभी जो है ना ये आपको फुल नज़र आ रहा है, तो ये देखिए फुल नज़र आ रहा है आपको इस तरह, तो जब ये प्रोजेक्ट पैन में शामिल हो जाएगा तो इसकी भी अपडेट आ जाएगी। ये मेरे पास निक्स का मैट लिपस्टिक, इसका शेड है स्पाइस, और ये इसको भी मैंने शामिल की है, क्योंकि ऑलमोस्ट ही इतना सा रह गया है, ये देखिए ये थोड़ा सा है, तो इसको जो है ना अपने प्रोजेक्ट पैन में मैंने इसको शामिल कर, मास्को ये बाहर कंपनी है, उन्होंने मुझे ये सेंड किया था क्रायो कूलिंग अंडर आई सीरम, यानी कि आई क्रीम है, तो इसको भी मैं यूज़ करती हूँ डेली, तो ये भी प्रोजेक्ट प्लान में शामिल है। ये है वसंती का कलर करेक्टर ऑरेंज, मैं अब सोच रही थी कि पीछ लूँ, लेकिन अभी जो है इसको फिनिश करने की कोशिश करूँगी। फिर है जी होली हाइड्रेट लिप मास्क, तो ये है जी मास्क मेरा, और इसका जो है ना ये भी अच्छा जी, तो अभी जो है ये है निक्स का मेरे पास है लिक्विड एपिक पेन आईलाइनर है, और ये है एनास्तासिया का ब्रो पेंसिल, आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट फिनिश है, बस ये इतना सही निकलता है और नहीं निकलता, तो ये जो है ये देखें मैं इसको खोलने की कोशिश कर रही हूँ, तो ये जो है ना नहीं खुल रहा, तो उसके बाद जो है ये मेरे पास कलर पॉप की पेंसिल है, ये आपको इसका शेप नज़र आएगा कितना सा जो है ना वो रह गया है, लिप पेंसिल है, इसका शेड है टॉप डाउन, साथ में जो है ये मेरे पास एनाबेल की काजल पेंसिल है,
ये ऑलमोस्ट दोनों ब्रा फुल थी, तो अभी जो है ना ये यहाँ पे है, तो इसकी अपडेट मैं आपको दूंगी। ठीक है जी, तो उम्मीद है आपको मेरा ये छोटा सा प्रोजेक्ट पैन पसंद आया होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ के साथ, और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको कैसा लगा है और आप अपना प्रोजेक्ट पैन कैसे करते हैं। और फिर मिलेंगे एक और नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।